हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी द्वारा निकाली गई नई रिक्रूटमेंट की। इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। इंडियन आर्मी द्वारा सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क के विभिन्न पदों पर जो है नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर्मी द्वारा जो है स्पेसिफाइड नहीं की गई है। इन पदों पर हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 4 अप्रैल 2019 से 18 मई 2019 तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद इंडियन आर्मी द्वारा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। तो इस एडमिट कार्ड से आपको रैली लोकेशन, डेट और टाइम की जानकारी मिलेगी। अगर हम रैली दौड़ लोकेशन की बात करें तो रैली जो है 3 जून 2019 से 15 जून 2019 के बीच स्पोर्ट्स स्टेडियम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुंगा हिमाचल प्रदेश शिमला में आयोजित कराई जाएगी। सबसे पहले अब हम बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की। तो इसके लिए जो है एज लिमिट रहेगी 17.5 वर्ष से 21 वर्ष। अगर हम इसके लिए मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट रहेगी 163 सेंटीमीटर, वेट रहेगा 48 केजी, चेस्ट रहेगी 70 सेंटीमीटर। इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 10th 45% मार्क्स के साथ। सोल्जर क्लर्क की बात करें तो इसके लिए एज रहेगी 17.5 से 23 वर्ष, हाइट रहेगी 162 सेंटीमीटर, वेट रहेगा 48 केजी, चेस्ट रहेगी 70 सेंटीमीटर। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 60% मार्क्स के साथ। कम से कम हर सब्जेक्ट में आपके 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, बीम पुलअप्स होंगे और 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा। फिजिकल मेजरमेंट के बाद रैली साइट पर जो है मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जो जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में पास होंगे वे सभी कैंडिडेट जो है रिटर्न टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे। रिटर्न टेस्ट के लिए आपको रैली साइट पर एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। इस एडमिट कार्ड पर जो आपको डेट एंड टाइम की जानकारी मिलेगी रिटर्न टेस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रैली साइट पर जो है कैरी करने हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एडमिट कार्ड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको इंडियन आर्मी एडमिट कार्ड सेंड करेगी। तो ये एडमिट कार्ड आपको रैली साइट पर कैरी करना है। उसके बाद चाहिए फोटोग्राफ, 20 कॉपीज ऑफ अनटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, बोनी फाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, डोगरा क्लास या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। देखिए ये सभी थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको साइट पर कैरी करने हैं। अगर हम फीस डिटेल की बात करें तो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए जो है इंडियन आर्मी के द्वारा कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। देखिए आप अधिक जानकारी के लिए जो है आरओ शिमला के टेलीफोन नंबर 0177-265-2804 और 0171-2600-216 पर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ये थी इंडियन आर्मी की नई रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी। अधिक जानकारी के लिए जो आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज का वीडियो
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।